Peekaboo. Peekaboo. I see you. एक दफा का जिक्र है कि दो बेटे अपने वालिद के साथ फैमिली फार्म पर काम किया करते थे। वालिद छोटे बेटे को हमेशा ज्यादा जिम्मेदारियां देते और हर वक्त उसको सराहते रहते थे। एक दिन बड़े बेटे ने अपने वालिद से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जिस पर वालिद ने उससे कहा कि इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, पहले आप अमजद फार्म जो करीब में वाके है वहां जाओ और देखो कि क्या उनके पास फरोख्त के लिए परिंदे हैं। हमें अपने स्टॉक में इजाफा करने की जरूरत है। बड़ा बेटा जाता है और जवाब के साथ लौटता है कि हाँ, उनके पास 5 परिंदे मौजूद हैं, जो वो हमें बेचने के लिए तैयार हैं। तब वालिद कहते हैं, अच्छा, उन परिंदों की कीमत क्या है? बड़ा बेटा दोबारा जाता है और इस जवाब के साथ लौटता है कि एक परिंदे की कीमत 1,000 रुपए है। वालिद फिर से उसे कहते हैं कि अच्छा, क्या वो हमें कल ये परिंदे फराहम कर सकते हैं? बेटा तीसरी मर्तबा जाता है और इस जवाब के साथ लौटता है कि हाँ, वो कल ही परिंदे हमें फराहम कर सकते हैं। उसके बाद वालिद ने बड़े बेटे से कहा कि अब आप इंतजार करो और देखो। बाप ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और उसे कहा कि हुसैन फार्म जो करीब में वाके है वहां जाओ और मालूम करो कि क्या उनके पास फरोख्त के लिए कोई परिंदा है। हमें अपने स्टॉक में इजाफा करने की जरूरत है। छोटा बेटा जल्द ही इस जवाब के साथ लौटता है कि हाँ, उनके पास परिंदे मौजूद हैं जो वो हमें आज ही फराहम कर सकते हैं। अगर हम 5 परिंदे खरीदेंगे तो 1 परिंदा हमें 1,000 रुपए में, और अगर हम 10 परिंदे खरीदेंगे तो वो 1 परिंदा हमें 800 रुपए में बेचने को तैयार हैं। मैंने 1 घंटे में उनसे 5 परिंदे यहाँ पहुँचाने को कह दिया है। मैंने उनसे ये भी कह दिया है कि अगर हमें मजीद 5 परिंदों की जरूरत हुई तो हम 600 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। ये बातें सुनकर बाप ने बड़े बेटे की तरफ देखा, जो कि छोटे भाई की कारकर्दगी से मुतासिर नजर आ रहा था, और उसे अब एहसास हो चुका था कि क्यों वालिद ने छोटे भाई को ज्यादा जिम्मेदारियां दी हुई हैं और क्यों उसे ज्यादा सराहते हैं। इस हफ्ते का पैगाम, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और समझदारी से उन्हें सर अंजाम देना इंसान की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है।